तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जब लगन का लॉर्ड 12वें भाव में होगा तो आपको किस प्रकार के परिणाम देगा। तो देखिए, जब भी लगन का लॉर्ड अगर 12वें भाव में होता है तो 12वां भाव हमारा व्यय भाव है, यानी धन का जो भी हमें खर्चा होता है पूरे जीवन में, ये खर्चे का भाव है। किसी चीज को हम यहाँ जैसे हम खो देते हैं किसी चीज़ को अचानक, तो उसका भाव भी यही है। चैरिटी के लिए पैसा दान करने को लेकर अगर हम देखें हमारी कुंडली में, तो हम 12वें भाव को ही देखते हैं। जब लगन का लॉर्ड 12वें भाव में होता है तो ऐसे जातक को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और उसका हेल्थ इश्यू भी रह सकता है। तो हेल्थ इश्यू भी रह सकता है और कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता, ये दोनों प्रॉब्लम होती हैं। तो जातक कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता है और ऐसा जातक विदेश के बारे में भी बहुत बार सोचता है। हालांकि विदेश जाता है, जरूर जाता है बाद में आगे चलकर, लेकिन वो शुरुआत में छोटी उम्र से ही विदेश के बारे में सोचने लग जाता है और उसने जो है बहुत सारे सपने ऐसे देखे होते हैं अपनी जो अर्ली लाइफ है उसमें, बहुत सारे वो सपने देखता है कि मैं विदेश चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वहां पर वो कर लूंगा, बट वो थोड़ा बाद में जाकर सारी चीजें सच होने लगती हैं। तो जो 12वां स्थान है, जो 12वां भाव है, ये जीवन की अंतिम यात्रा है, मोक्ष का स्थान है। विदेशी भूमि पर जो हमारा जीवन होता है, यानी बाहर विदेश में, वो यहाँ से देखा जाता है। विदेश यात्रा को हम यहाँ से देख सकते हैं। विदेश में परमानेंट सेटलमेंट अगर हमारा होता है तो हम 12वें भाव को ही देखते हैं। इसके अलावा 12वां भाव जेल यात्रा का भी है, परिवार से अलग होने का भी है, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है वो हम यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा प्लेजर ऑफ बेड, यानी हमारा जो शयन कक्ष है उसको हम यहाँ से देखते हैं, और हमें बिस्तर का जो सुख है वो मिलेगा या नहीं उसको हम यहाँ से देखते हैं। हमारी नींद संबंधी जो आदतें हैं, हमें नींद कितनी आती है, कितनी हमारे जो है डिस्टर्ब रहती है, ये सारा हम 12वें भाव से देखते हैं। हमारे सोने का तरीका हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे बोलते हैं कि पर्दे के पीछे जो कुछ भी होता है, यानी वर्क बिहाइंड द सीन, तो ऐसे जातक इसमें बहुत अच्छे दक्ष होते हैं, वो पर्दे के पीछे काम करने वाले होते हैं और ऐसे जातक बहुत अच्छा करते हैं। जैसे एक जो संगीतकार है वो अपना स्टूडियो उसके लिए बिहाइंड द सीन वाली जगह होती है। तो जिस जातक का लगन का स्वामी 12वें भाव में होता है, वो जातक कई बार जीवन में लॉस का सामना करता है, यानी उसको कहीं ना कहीं पैसे को लेकर या किसी दूसरी चीज को लेकर हानि उठानी पड़ती है। ऐसे जातक अस्थिर चरित्र के होते हैं, यानी इनका जो करैक्टर है वो स्टेबल नहीं होता कभी भी। ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर जाकर या विदेश में जाकर ज्यादा सफल होते हैं। इनके जीवन का दृष्टिकोण होता है दूसरों को सब कुछ देकर भी कुछ वापस लौटने की आशा है वो आप मत रखें, यानी दूसरे को ये सब कुछ देते हैं लेकिन इनको खुद को अपने पास कुछ लौट कर आने की, वापस कुछ लौट कर आने की आशा नहीं रहती है। ये चैरिटी जैसे कामों में सफल हो सकते हैं। इनका बहुत सा समय जो है वो मंदिर, हॉस्पिटल, जेल या फिर विदेशी भूमि आदि पर बीतता है। तो 12वां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेल यात्रा का भाव भी यही है। तो ये आत्मविश्वास कम करता है यहाँ पर लगन के लॉर्ड का यहाँ होना। इसके आपको जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें ले जाएगा और लेट एज में ऐसे जातक जो है वो स्पिरिचुअल पाथ को जरूर अपनाते हैं अपनी लाइफ में। इसके अलावा ये आइसोलेशन का भाव है, तो ये जितने भी लोग साधु संत जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं हम 12वां भाव देख सकते हैं और इस भाव से ही ये नोटिफाई होता है कि कोई जातक जो है कितना इस ओर झुका हुआ है। अब जिन जातकों का जो लगन लॉर्ड है वो 12वें भाव में होता है, ऐसे जातक अपना अधिकांश समय 12वें भाव की चीजों या घटनाओं को मैनेज करने में ही लगा देते हैं अपनी पूरी लाइफ में। तो अब हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आपके सामने है मेष लगन की एक कुंडली, जिसमें यहाँ पर देखिए लगन का लॉर्ड मंगल है जो कि 12वें भाव में है, यानी मीन राशि में। तो मंगल जब 12वें भाव में मीन राशि में आता है तो ये आपको क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए, जो यहाँ पर मीन राशि है ये स्पिरिचुअल राशि है और मंगल का यहाँ होना दर्शाता है कि ऐसा जातक देवीय शक्तियों या चीजों को एक्सप्लोर करेगा, खोजेगा। मंगल एक सेनापति है जो 12वें भाव की सभी चीजों को प्राप्त करना चाहता है,
वो जीतना चाहता है। मंगल एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर कार्य करेगा और इसका तरीका आक्रामक हो सकता है, बहुत ज्यादा आक्रामक हो सकता है ऐसी चीजों में। तो अगर आप अपने कार्य को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप पर काम का बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मंगल यहाँ पर आपकी शारीरिक ताकत जो है उसमें कमी करता है, यानी आपकी हेल्थ से संबंधित कोई इश्यू दे सकता है। तो ये तो हुई मेष लगन के लिए बात, अब हम देखते हैं वृषभ लगन के लिए। इस वीडियो में हम कन्या लगन तक की बात कर रहे हैं, तो दूसरा हमारा लगन है अब वृषभ लगन। देखिए वृषभ लगन के लिए लगन का स्वामी शुक्र जो कि 12वें भाव में मेष राशि में होगा। अब शुक्र लव का कारक है, ये स्पाउस का कारक है, मैरिज का कारक है, एग्रीमेंट्स का कारक है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे होते हैं उनका कारक है। इसके अलावा मेष जो है वो फायरी नेचर वाली राशि है, यानी मंगल की राशि है ये। तो यहाँ पर शुक्र अच्छा फील नहीं करेगा। 12वां भाव मोक्ष का है, आइसोलेशन का है, यहाँ शुक्र कमजोर फील करेगा और आपके सभी प्रकार के सुखों में, आपके जो भी शुक्र आपको जो सुख देता है इस प्रकार के, उनमें ये कमी करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये यहाँ पर जो आपकी एक तरह से ये बोल दीजिए कि आपकी जो रिलेशनशिप है उनमें प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा आपकी जो लव लाइफ है उसको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करेगा। इसके बाद हम चलते हैं मिथुन लगन के लिए। मिथुन लगन के लिए बुध लगन का लॉर्ड होकर जब 12वें भाव में होगा तो यहाँ पर इनकी राशि आएगी वृषभ राशि और ये शुक्र की राशि है। तो देखिए बुध स्पीच का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, इसके अलावा बुध बिजनेस को दिखाता है, ये लॉजिक को दिखाता है बुध। इसके अलावा ये राइटिंग यानी कुछ लेखन अगर हम करते हैं, कुछ आर्टिकल राइटिंग वगैरह कुछ करते हैं तो उसका कारक भी बुध है, एजुकेशन का कारक भी है बुध। तो वृषभ जो है वो यहाँ पर पोजिशंस का कारक है, स्पीच का कारक है, वॉइस का कारक है, फाइनेंसेस को दिखाता है। तो यहाँ पर दोनों की जो एनर्जी है इनकी आपस में कंबाइन होके काम करेगी। तो आप फॉरेन में कोई लॉजिकल वर्क कर सकते हैं, ऐसा कोई भी जैसे किसी बैंक में काम हो गया या कोई और लॉजिक का कोई काम होता है वो आप कर सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन के लिए फॉरेन जा सकते हैं, आपको अनेक भाषाओं का ज्ञान हो सकता है, आप अनेक भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अलावा ये सब आप में, ये जो सारी चीजें मैंने बोली हैं ये एक नेचुरली आप में होगा, यानी बहुत कुछ आपको ज्यादा सीखना इसमें नहीं पड़ेगा। अब हम चलते हैं कर्क लगन के लिए। तो कर्क लगन के लिए चंद्रमा यहाँ पर मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो मिथुन राशि में चंद्रमा आपको यहाँ पर कुछ ड्रीमी बनाएगा, यानी ये सपने दिखाएगा आपको, यानी आप सपनों की दुनिया में जीने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, सपने बहुत आप देखेंगे। इसके अलावा आपको ये इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी देगा। जो कर्क राशि है ये माता का कारक मानी जाती है और ये ग्रह नगर का स्वामी, तो यहाँ पर चंद्रमा का 12वें भाव में जो जाना है वो दर्शाता है कि आप अपनी माता या जन्म स्थान से दूर जाकर ज्यादा सफल हो सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अगले लगन की ओर, और अगला लगन हमारा आएगा सिंह लगन। तो सिंह लगन की ये कुंडली आपके सामने है। यहाँ पर देखिए लगन का लॉर्ड सूर्य है और सूर्य 12वें भाव में यहाँ पर कर्क राशि में है। तो सूर्य जो कारक है वो है पावर का कारक है, ये ईगो का कारक है, हमारा जो अहम है, हमारा जो मैं है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। इसके अलावा ये सेल्फ एस्टीम का कारक है। तो आप फॉरेन जा सकते हैं, आपको अपने देश के सरकारी विभाग में किसी भी काम से, किसी ऐसे काम से आपको विदेश जाना पड़ सकता है। आप कहीं किसी विदेशी जो कोई वहाँ पर कुछ ऐसा काम होगा जो आपकी जो गवर्नमेंट है, जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश में आपका जन्म हुआ वहाँ की गवर्नमेंट का काम कहीं दूसरे देश में पड़ेगा तो उस काम की वजह से वो आपको भेज सकते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारी इस वीडियो की अंतिम जो लगन है वो है कन्या लगन। तो कन्या लगन के लिए बुध लगन का स्वामी जो कि चला जाएगा यहाँ पर 12वें भाव में, 12वें भाव में ये चला जाएगा सूर्य की राशि यानी सिंह राशि में। तो आपको ये प्राचीन ज्ञान को सिखाएगा, यहाँ पर आपको प्राचीन ज्ञान को सीखने को प्रेरित करेगा, हिस्ट्री जानने
के लिए आपको प्रेरित करेगा। आप एक बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप इतिहास संबंधी किसी ज्ञान की शाखा में टीचर हो सकते हैं, या फिर आप कुछ राइटिंग कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपके लिए रहेंगे मेष लगन से कन्या लगन वालों तक के लिए, जब लगन का लॉर्ड 12वें भाव में होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन से लेकर मीन लगन तक के लिए लगन लॉर्ड का 12वें भाव में होने से क्या परिणाम रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।